फिर पर्दे पर आएंगे सिया के राम। 31 सालों के बाद रिलीज होगी रामायण द लेजेंड। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो जो आपको एंटरटेनमेंट की सारी खबरें देता है। आज हम बात करेंगे रामायण द लेजेंड की। रामायण पर टीवी के कई सीरियल और फिल्में बनी हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर भी रामायण फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर कपूर राम का रोल निभाने वाले हैं। हालांकि रणवीर कपूर की रामायण से पहले सिनेमाघरों में एक और रामायण रिलीज होने जा रही है, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। फिल्म साल 1992 में बनी थी। अब 31 साल बाद 18 अक्टूबर को ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम साल 1992 में रिलीज तो हुई थी, लेकिन उस वक्त उसे फिल्म में भारत में रिलीज होने से रोक दिया गया था। ये एक जापानी भारतीय एनिमे फिल्म है। दोनों देशों के सहयोग से इसे बनाया गया था। फिल्म को भारत के राम मोहन और जापान के युगो साको ने प्रोड्यूस किया था। अब ये फिल्म भारत के सिनेमाघरों में 4 भाषाओं में रिलीज होने जा रही है। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होने को बिल्कुल तैयार है। 31 साल बाद बनी इस फिल्म के रिलीज से पहले पोस्टर और टीजर रिलीज किया गया। टीजर और पोस्टर को गीक पिक्चर्स इंडिया ने रिलीज किया। फेमस स्क्रीन राइटर वी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के एडॉप्टेशन में अपना बहुत योगदान दिया। आपको बता दें कि वी विजेंद्र प्रसाद को बाहुबली, बजरंगी भाईजान और RRR जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता रहा है। अगर फिल्म की बात करें तो जब ये फिल्म साल 1992 में बनी थी तब भारत में इस फिल्म को लेकर काफी विरोध किया गया था। कहा जा रहा था कि विदेशी फिल्म मेकर्स रामायण पर फिल्म कैसे बना सकते हैं। फिल्म में भगवान राम के वनवास जाने की कहानी से लेकर सीता हरण और लंका दहन तक की कहानी को सुंदरता से दर्शाया गया। आप भी इस फिल्म को जरूर देखने जाएं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।